हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की DOE की तरफ से ना आपको मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है। तो यहाँ 14th अगस्त की वर्कशीट मैंने लगा रखी है, जिसमें आज हम अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला ही चैप्टर करने वाले हैं। हमने लास्ट दो वर्कशीट में ग्राफिकल सॉल्यूशंस देखे थे, जिसमें एक में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आया था और एक में हमारा नो सॉल्यूशन आया था, है ना। चलिए आज की वर्कशीट में जानते हैं। फिर आपको वही दो इक्वेशंस दे रखे हैं आपने। पहले यहाँ पर दोनों इक्वेशन की ये देखो सॉल्यूशन निकाल लिए, जैसे कि आपने पीछे की वर्कशीट में सीखा है सॉल्यूशन निकालना, है ना। तो एक का सॉल्यूशन ये रहा और एक का सॉल्यूशन ये रहा। उसके बाद आपने इसे ग्राफ पे जब प्लॉट किया ना, तो एक ही लाइन बनी है दोनों इक्वेशन की। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों लाइन्स जो है वो कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक है। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन होता है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं इसका मतलब नो सॉल्यूशन होते हैं, और जब लाइन कोइंसिडेंट होती है एक के ऊपर एक होती हैं तो इसका मतलब मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इस वर्कशीट में आपको यही समझाया गया कि कैसे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते हैं। अब जो इसका क्वेश्चन ऑफ द डे है ना, उसमें हम जानेंगे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके कि कैसे हमें इसे निकालना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।